अमरीश जी आपसे जानना चाहेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज जयंती है, किस तरह से आप लोग मनाया है इसको? हर वर्ष चंद्रशेखर जी की जयंती के अवसर पर हिंदू वाहिनी दीपदान के माध्यम से कार्यक्रम करती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लोहराबेट आज़ाद पार्क चौराहे पे है, वहीं पे दीपदान होता है। आज 112वीं जयंती है। हर वर्ष पूर्व संध्या पे दीपदान का आयोजन होता है और छेदगंज में, चूँकि आज़ाद जी की लोहराबेट आज़ाद पार्क में प्रतिमा है, छेदगंज से उनका गहरा नाता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी जब 15 वर्ष की अवस्था में थे तो उन्होंने ही आज़ादी की लड़ाई यहीं से प्रारंभ की। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इन्हीं चौराहों पर, इन्हीं सड़कों पर लगाते थे। आज हम सब ने पुण्यतिथि के अवसर पे उनको याद करके दीपदान के माध्यम से उनको, उनके विचारों को आत्मसात करने का प्रयास किया है और नौजवानों को जागरूक करने का प्रयास किया है। जी, विद्यापीठ में कैसे मनाया जा रहा है ये? हम विद्यापीठ का छात्रसंघ भारतीय जनता पार्टी के पूर्वों और नुमाइंदों के तहत ये देख सकते हैं कि आज 112वीं जयंती है और छात्रसंघ पर ताला लटका हुआ है। यहाँ का VC RSS के एजेंट के रूप में काम करते हैं। यहाँ का पूरा विद्यापीठ का जो कमेटी है वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के और RSS के गुरुए की तरह काम करती है, जिनकी निगाह में देश के क्रांतिकारियों का कोई अस्तित्व, कोई इज्जत नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हैं कि पंडित जी के मूर्ति पे न तो अभी तक माल्यार्पण हो पाया, न तो पुष्पांजलि अर्पित हो पाई। और हम कांग्रेस जन जब यहाँ विद्यापीठ में अंदर आने की कोशिश कर रहे थे तो हमको रोका गया और साथ में हमारे साथ जबरिया किया गया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम माल्यार्पण नहीं करने देंगे। हम लोग यदा कदा आकर के इसी गेट पर पुष्पांजलि करके जा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और योगी जी क्रांतिकारियों के प्रति बड़ी आस्था करते हैं, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो है मूर्ति पर आज भी माला के लिए वो तरस रहे हैं, आज भी अपनी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए वो तरस रहे हैं। आप देख सकते हैं लौराबीर में पूरी तरीके से तिरंगे से न सजा करके भगवाकरण किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, और वहाँ फर्जी तरीके से उनको सम्मान दिया जा रहा है, जबकि यहाँ विद्यापीठ से उनका नाता रहा है, यहीं से आज़ादी का उन्होंने बिगुल फूका था, यहाँ तमाम क्रांतिकारी थे और आज उन्हीं के सरजमीन पर उन्हीं को बेगानापन का जो है एहसास हो रहा है। हम कांग्रेस जन काफ़ी दुखी हैं और इस उपेक्षा से, क्रांतिकारियों की उपेक्षा से, और मैं योगी जी और मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि फर्जी भावनाओं के साथ राष्ट्रहित नहीं चलता, राष्ट्रप्रेम नहीं चलता, चलता है। अगर आपका राष्ट्रप्रेम क्रांतिकारियों के प्रति रहता तो यहाँ का VC यहाँ विशेष आयोजन करता, छात्र संघ पर ताला न लटका होता। हम काफ़ी आक्रोशित हैं, हम काफ़ी दुखी हैं भाजपा सरकार के इस कार्रवाई।